भाई साहब आपकी अनुमति हो तो शुरू करें हम। आपकी अगर शिखर वार्ता को थोड़ी देर के लिए आप विराम दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि मैंने तो कभी कहा था कि देख पराई नार नजर का चंचल होना ठीक नहीं। एक बार जुड़ जाइएगा फिर से कि देख पराई नार नजर का चंचल होना ठीक नहीं, रोज रोज ही घरवाली से दंगल होना ठीक नहीं। कि देख पराई नार नजर का चंचल होना ठीक नहीं, रोज रोज ही घरवाली से दंगल होना ठीक नहीं। और रंग जमाने में मेहनत वे वक्त भी जाया होता है, रंग जमा हो महफिल में तब हलचल होना ठीक नहीं। बहुत मुश्किल से इन कवियों को परिश्रम करना पड़ता है, और कुछ है नहीं हमारे पास, सिर्फ शब्द हैं और शब्दों का ही सारा खेल है। ये कवि आप लोगों की तरह ही हैं, कोई अलग नहीं है। जैसे आप सोचते हो वैसा ये सोचते, बस माँ शारदे का वरदान है, एक अलग दृष्टिकोण एक अलग नज़रिया रखते हैं। उस बात को कुछ इस तरह से शब्दों में सजा करके आपके बीच में रख पाते हैं कि आपको लगता है कि पता नहीं क्या बात कह दी। मैं एक दृश्य से आप लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। जिस समय भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था, रावण सामने था और भगवान राम अपने तर्कस से दाएं हाथ से धनुष निकालते हैं और पीछे ले जाते हैं, बाण का संधान करते हैं। तब दाएं हाथ और बाएं हाथ में संवाद होता है, बायां हाथ दाएं हाथ से कहता है, और ये कल्पना भी एक कवि कर सकता है कि दाएं हाथ और बाएं हाथ में संवाद करवा रहा है। सब लोग देख रहे हैं दृश्य को, परंतु कवि एक अलग नजरिए से देख रहा है। वो क्या देख रहा है, उसे लगता है कि जब भगवान श्री राम दाएं हाथ से तर्कस अपना तीर खींच करके कान तक लेके जाते हैं, तब बायां हाथ दाएं हाथ से कहता है कि दान मान सम्मान में रहत सदा अगवान। कि जब भी कोई दान मान सम्मान कोई पवित्र यज्ञ अनुष्ठान का काम होता है तो हमेशा दायां हाथ आगे रहता है। वो कहता है कि दान मान सम्मान में रहत सदा अगवान, अब क्यों पीछे हटत है देख दशानन बान। अब क्यों पीछे हटत है देख दशानन बान। और तब जो दायां हाथ जवाब देता है, आपको लगे कि अगर कविता का यही जवाब हो सकता है तो फिर आप सभी की तालियां मैं आमंत्रित करता हूं। दायां हाथ कहता है कि श्री राम के कान में पूछत हूं एक बात, पीछे नहीं हट रहा हूं मैं उनके कान तक एक बात पूछने गया हूं कि श्री राम के कान में पूछत हूं एक बात, एक एक कर दस हतूं या दसो हतूं एक साथ। ये काम होता है कविता का, जो चंद्र बरदाई से कभी लिखवाती है कि चार बांस चौबीस गज अंगल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है मत चुको चौहान। ये काम है कविता का। जब कविता उठती है वंदे मातरम बनकर तो लाखों करोड़ों युवा भारत माँ को आजाद करने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। ये ताकत है कविता की। तो आप सभी को मैं नए कवि से जोड़ना चाहता हूं इस मंच को, और आप जितने भी लोग हैं बस जितनी देर आप चाहेंगे 15 मिनट में कार्यक्रम समापन करना है, आधे घंटे में एक घंटे में उतनी देर में ही हम समापन कर देंगे। बस सिर्फ एक आग्रह यह है कि जितनी देर बैठ रहे हैं शांति से कवियों को सुने, और उनकी बात कोई अच्छी लगे तो तालियों के द्वारा आपकी प्रतिक्रिया मंच तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि ये टू वे ट्रैफिक है, वन वे ट्रैफिक नहीं है। यहाँ से कभी बात कह रहा है तो सामने से प्रतिक्रिया भी आनी चाहिए। कहीं डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब ने कहा था कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो चल रहे हैं एक पांव से लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मैं बहुत ही मान सम्मान के साथ उस स्वर को उस तेवर को यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, जिनको देखकर जिनसे प्रेरणा लेकर के कहीं हमने भी कलम उठा करके दो अक्षर लिखने की कोशिश की मेहनत की, उस बड़े कवि को आप लोगों के बीच में आमंत्रित करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि क्या है कविता का कर्तव्य और क्या एक कवि का दायित्व है समाज के प्रति। कि मन विकारों से भरा है शुद्ध भी कविता करेगी, कि
मन विकारों से भरा है शुद्ध भी कविता करेगी। पंकज अंगार ललितपुर से कहीं है, एक ओजस्वी कवि, उनकी पंक्तियां उद्धृत कर रहा हूं, मोहन शास्त्री जी के स्वागत में बिछा रहा हूं और आप सभी की तालियां मांगता हूं कि मन विकारों से भरा है शुद्ध भी कविता करेगी, चेतना की शुद्धता को बुद्ध भी कविता करेगी, और आत्मा में स्वार्थ के जो बीज बोने में लगे हैं वक्त के उन तेवरों से युद्ध भी कविता करेगी। जोरदार तालियों से आवाज दीजिए मोहन शास्त्री जी। ये युवा संगठन है और एक संदेश देना चाहता हूं पहली पंक्तियों से ही, कि जिंदा खुद की पहचान रखना, दिल में बचाकर ईमान रखना, करना तरक्की तुम फर्श से अर्श तक, मगर अपने बुजुर्गों का सम्मान रखना, मगर अपने बड़ों का सम्मान रखना, मगर अपने पूर्वजों का सम्मान रखना। और अभी अभी हमारे बीच में मातृशक्ति का भी पदार्पण हुआ, वहीं से शुरू कर देता हूं। बहन आई है हमारे बीच में, मेरी पदचाप को सुनकर, लेकिन ऐसे नहीं सुनी जाती कविता, आपको साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो 50 बार यही लाइन सुनाऊंगा। मेरी पदचाप को सुनकर मुझे पहचान लेती है, मेरी हर एक मुश्किल को सदा वो जान लेती है, तपन सूरज की मुझको जब कभी झुलसान लगती है, मेरी माँ अपने आंचल का वो छाता तान लेती है, मेरी माँ अपने आंचल का वो छाता तान लेती है, जरा से पंख खोलो तो। सरकार बहुत प्रयास कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ऐसी अच्छी परियोजनाएं चाहे कोई भी चलाए उनका समर्थन करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, जरा से पंख खोलो तो यह आकाश छू लेगी, लुटाओ नेह थोड़ा सा यह विश्वास छू लेगी, समर्पण ही समर्पण है यहाँ बेटी के जीवन में, यह बेटी तुम्हारे दिल के सब एहसास छू लेगी, यह बेटी तुम्हारे दिल के सब एहसास छू लेगी। और कहना चाहता हूं, महकते गुलशनों में तितलियां शोभा बढ़ाती हैं। आपकी तालियां क्यों रुक गई भाई, मैं तो रुका नहीं। महकते गुलशनों में तितलियां शोभा बढ़ाती हैं, मचलते सागरों में मछलियां शोभा बढ़ाती हैं, बड़े बुजदिल हमोजी लोग जो इनको सताते हैं, चहकती घर घरों में बेटियां शोभा बढ़ाती है, चहकती इन घरों में बेटियां शोभा बढ़ाती है। आइए याद करें चार पंक्तियों में उन सभी देशभक्तों को जो करगिल की चोटियों पर हर परिस्थिति में डटे हुए हैं और जो वहां बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, हुए जो देश पर कुर्बा सभी के दिल में रहते हैं, सदा उनके तराने ही हर एक महफिल में रहते हैं, कोई मुझसे अगर पूछे कहाँ है देवगन रहते, कहूंगा इतना ही केवल कि वो करगिल में रहते हैं, कहूंगा इतना ही केवल कि वो करगिल में रहते हैं, कहूंगा इतना ही केवल। बहुत बहुत आभार बेटा, कहूंगा इतना ही। साहब बहुत आसान होता है किसी पर दाग लगा देना, हम वर्दी के लिए बहुत तरह तरह की बात सुन लेते हैं, चार पंक्तियां कहना चाहता हूं। सदा सम्मान में इस देश के लड़ती रही वर्दी, रहे हम नींद में सोते मगर जगती रही वर्दी, नमन वंदन करो तुम भी अरे उन देश भक्तों को, नमन वंदन करो तुम अरे उन देश भक्तों को, लड़ाई कोई भी हो बेशक सदा लड़ती रही वर्दी, लड़ाई कोई भी हो तो
उसे लड़ती रही वर्दी। और याद करिएगा महाराणा प्रताप के तेज और शौर्य को। एक छंद, दो तीन छंद देता हूं अंतिम। चेतक की वीरता वे राणा जी की शूरता को हाथ धारे भाले और ढाल को नमन है। मुगलों की नींद चैन छीन लिए दिन रैन शिप रिपुषि से मडराते काल को नमन है। जंगलों की खाक चैन बन रहे दिन मान वीरता की बने जो मिसाल को नमन है। वीरता की बने जो मिसाल को नमन है। देखी नहीं भूख प्यास खाई भले फूस घास गर्भ से तने आकाश भाल को नमन है। गर्भ से तने आकाश भाल को नमन है। और हम लोग अक्सर आरोप लगा देते हैं कि नव पीढ़ी बिगड़ रही है, लेकिन साहब इसमें कहीं ना कहीं जो हमसे पहली पीढ़ी है उसका भी या हमारा भी दोष है। क्यों क्यों बिगड़ रही है? हमने वो कहानियां दादी नानी की कहानियां और जो पुराने पूर्वजों की कहानियां उनको सुनाना बंद कर दिया। आज हम देखते हैं कि माँ फेसबुक पर व्हाट्सएप पर अपना स्टेटस अपलोड करने में लगी हुई है। मुझे तो याद आया एक माँ ने बेटे को फोन किया कि बेटा मुझे लगता है कि बहू को लकवा हो गया। बेटे ने पूछा मां क्या हुआ? कि बेटा उसका मुंह टेढ़ा हो रहा है। तो कि मां चिंता मत कर, वो अपना तरह तरह से फोटो ले रही होगी फेसबुक के लिए। तो इस तरह की परिस्थितियां जब हो जाती है, इस तरह की जब परिस्थितियां हो जाती है साहब, तब वेदना होती है। मैंने कभी इस तरह से लिखा था कि बालक तो बालक होते हैं, अवतार नहीं होते। बड़े भाई बैठे हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। इस फरीदाबाद नगरी को राजनीतिक दृष्टि से देश का शीर्षस्थ बनाने वाले लोग बैठे हुए हैं। कभी लिखा था कि बालक तो बालक होते हैं, अवतार नहीं होते। बिगड़ जाते हैं वहां बच्चे जहां संस्कार नहीं होते, जहां संस्कार नहीं होते। तो हम लोग आरोप लगाना बहुत आसान है। दो तीन छंद देता हूं संस्कार के छंद। कैसे थे जवाने और कैसी वो जवानियां थी, कभी देश भक्तों की कहानी तो सुनाइए। क्या करना है हमें? कैसे थे जवाने और कैसी वो जवानियां थी, कभी देश भक्तों की कहानी तो सुनाइए। राजगुरु सुखदेव बिस्मिल भगत की फांसी वाली जगह वो निशानी तो दिखाइए। कौन थे आजाद और कैसी थी आजादी वो बात जरा उनकी रोमानी तो बताइए। नई पीढ़ी संस्कार पाएगी ये आपसे ही, देशभक्ति वाले का भी भाव तो जगाइए। देशभक्ति वाले का भी भाव तो जगाइए। और कहना चाहता हूँ राणा जी का तेज और बल बतलाओगे तो इनके लहू से भी रवानी जाग जाएगी। त्याग बतलाओगे जो वीर भामा शाह जी का दान पुण्य वाली वो बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। राणा जी का तेज और बल बतलाओगे तो इनके लहू से भी रवानी जाग जाएगी। त्याग बतलाओगे जो वीर भामा शाह जी का दान पुण्य वाली वो कहानी जाग जाएगी। गौरिल्ला वो युद्ध बतलाओ इन शिवाजी का, माता जी जवाई की निशानी जाग जाएगी। बन जामवंत जरा इनको जगाओ तो सोई हुई फिर से जवानी जाग जाएगी। सोई फिर से जवानी जाग जाएगी। और एक दो अंतिम क्षण। मातृशक्ति का भी उतना ही योगदान हर क्षेत्र में रहा है। कहना चाहता हूं देश की स्वाधीनता को बलिदान वर लिया, देश की स्वाधीनता को बलिदान वर लिया। झांसी वाली लक्ष्मीबाई रानी को नमन है। निज सुत वार दिया स्वामी भक्ति के लिए जी, राजस्थान वाली पन्नादाई को नमन है। जौहरी की चिता देख तन मन झूम उठा, पद्मावती रानी की कहानी को नमन है। हर रूप हर रंग शत्रु देख होता दंग, जन कल्याणी माँ भवानी को नमन है जी। जन कल्याणी माँ भवानी को नमन है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमन।